ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्वे का नेक्स्ट लेक्चर। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में सर्वे के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, हमने बस ये जाना था कि अगर हम कभी किसी भी रोड से निकल रहे हैं और उस रोड पर अगर आपका फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप हमेशा ये इमेजिन करो कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन होने का मतलब क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके पहले के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। तो मैं चाहता था कि आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस पता लगे। देखो, आपके जेई के एग्जाम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जूनियर इंजीनियर बनकर जा रहे हो किसी एसएससी जेई के एग्जाम में या स्टेट के जेई के एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी प्रोजेक्ट की नॉलेज ना हो। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट की डिटेल्स, बहुत बड़ी होती है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया था, और उसकी उस जब मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बताया, मेगा प्रोजेक्ट क्या होता है, लार्ज प्रोजेक्ट क्या होता है, मीडियम क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि जब हम किसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं और एंड करते हैं तो उसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे थे। और उस सब में सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा स्टार्ट हो चुका था, सर्वे। अगर आप ध्यान से देखो, हमारा सर्वे या सर्वेइंग सब्जेक्ट सबसे पहले रोल में आ रहा था। सबसे पहला सब्जेक्ट जो था हमारा, वो सर्वे रोल में आ रहा था, इसलिए ही सर्वेइंग को क्या बोला जाता है, सर्वेइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बता दूं, प्रोजेक्ट का मतलब ओनली कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अगर आप किसी आईटी कंपनी में हो तो वहां पर प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आप कोई बॉलीवुड एक्टर हो तो वो आपको जो फिल्म मिली वो भी एक प्रोजेक्ट होता है। ध्यान रखना एक चीज, प्रोजेक्ट ओनली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट्स आपके हर फील्ड में होते हैं। अगर आईटी सेक्टर से तो उसके भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप बॉलीवुड स्टार हो तो आपको जो मूवी मिल रही है वो भी आपके लिए प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब एक सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट एक टेम्पररी मेहनत होती है और उस टेम्पररी मेहनत के लिए आप इतनी मेहनत करते हो कि आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिले। अगर प्रोजेक्ट की मैं सिंपल सी शुद्ध हिंदी भाषा में डेफिनेशन बताऊं तो प्रोजेक्ट एक ऐसी टेम्पररी मेहनत होती है, टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए हमें करनी पड़ती है, जैसे आपकी तैयारी। अगर मैं आपसे बात करूं आपकी प्रिपरेशन क्या, आपकी प्रिपरेशन भी एक प्रोजेक्ट है, आपकी प्रिपरेशन भी एक प्रोजेक्ट है। कैसे सर, समझ में नहीं आई बात। अरे आप जो मेहनत कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, टेम्पररी कर रहे हो या परमानेंट करना चाहते हो, मुझे सिंपल से एक बात बताओ। बोला कि सर टेम्पररी कर रहे हैं, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम ये मेहनत टेम्पररी कर रहे हैं। तो जब अगर आप मेहनत टेम्पररी कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट आपको चाहिए, और वो प्रोडक्ट आपके केस में क्या है, वो प्रोडक्ट है आपके केस में गवर्नमेंट जॉब, और उस गवर्नमेंट जॉब से यूनिक आपके लिए कुछ भी हो नहीं सकता है। तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट्स ओनली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होते, प्रोजेक्ट्स हर फील्ड में होते। हमने जो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा, और उस प्रोजेक्ट की जब मैं आपको स्टेजेस बता रहा था तो उस प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव हो रहा था वो था आपका सर्वे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था, अब मैं आपको टोटली सर्वेइंग कहूंगा। अगर मैं सर्वेइंग के बारे में आपसे बात करूं, अगर मैं सर्वेइंग के बारे में आपसे बात करूं तो सर्वेइंग की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, या मैं आपको बता सकता हूं सर्वेइंग का एक बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपसे पूछे भैया डिफाइन सर्वे, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, सर्वे की कभी भी एक या दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। सर्वे सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी एक या दो डेफिनेशन नहीं हो सकती, या मैं ये बोल सकता हूं सर्वे एक ऐसा प्रोसीजर है, सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप एक या दो एप्लीकेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी अगर मैं सर्वे की मैक्सिमम जिस जगह सर्वे यूज होता है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, सर्वे को आप ये नहीं बोलते कि मैं सर्वे की एक डेफिनेशन से डिफाइन कर दूं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं बात करूं सर्वे की सर्वे या सर्विंग इज द साइंस टू डिटरमाइन द relative, अभी पूरा समझाऊंगा, relative positions of points on above or beneath the earth surface on above beneath
on the Earth surface by different measurement, by different measurements like horizontal measurement, vertical measurements, angular measurements, and etc. Angular measurement and etc. देखो अभी समझाऊंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, चलो अभी ये डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, बट मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी बुक्स में नॉर्मली सर्वे की ये डेफिनेशन लिखी हुई होती है, मैंने देखा है बुक्स आपके पास है तो आपसे ज्यादा बुक्स मेरे पास है, इतना भरोसा रखो मुझे, क्योंकि मैं पुराना चावल हूँ। पुराना चावल का मतलब समझते हो ना, जो इस चीजों में बहुत ईयर्स से इन्वॉल्व है। और पुराने चावल के पास क्या होता है, पुराने के चावल के पास डेटा ज्यादा होता है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास बुक्स, प्रीवियस पेपर्स, ये वो बहुत ज्यादा है मेरे पास, है ना, लिटरली बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे मेरे पास कंटेंट है जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होता है। आप लोगों के पास मेरा 70% होगा, 30% नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला सर्वे इज द साइंस, कहीं ना कहीं टेक्निकल है, हम अलग अलग मेथड इसमें यूज करेंगे टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस। अब मैंने एक चीज लिखी है यहां पर, क्या रिलेटिव पोजीशंस। रिलेटिव का मतलब आपको पता है क्या होता है, रिलेटिव का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है तो आप मेरे को रिलेटिव एक्सप्लेनेशन दो। रिलेटिव का मतलब साफ साफ एक ही मतलब होता है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में। सर्वे में हम अगर किसी भी पॉइंट के, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ जगह भी हो सकती है, मैंने पॉइंट्स लिखा है, मैंने आपके साथ लिखा सर्वे इज़ द साइंस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, और आपको मेरी लोकेशन बतानी है कि मेरी जो हाइट है, अगर मान लो मैं किसी ग्राउंड पर खड़ा हूं और आपको अगर ये बताना है कि मेरी हाइट ग्राउंड से कितनी ऊपर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चलो मैं अपनी मुंडी की बात करता हूं। अगर आप बोलोगे कि सर की मुंडी ग्राउंड से कितने ऊपर है, तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, ग्राउंड से कितने ऊपर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेइंग में हम जितने भी पॉइंट्स की पोजीशन पता करेंगे, जरूरी नहीं है पॉइंट्स हो, सरफेस भी हो सकता है, बहुत कुछ चीज हो सकती है, उन सारी मान लो एक एरिया है, एक वॉल्यूम है, जो भी है, मैं आपको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा अभी धीरे धीरे, बट हम इजी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने एकदम से बहुत डिटेल स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा, ध्यान सुनना। तो अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, रिलेटिव पोजीशन, मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं बोलूं कि भैया मेरी पोजीशन इस रूम के अंदर मेरी पोजीशन कहां है, मैं कहां पर खड़ा हूं, तो आप बोलोगे सर आपकी जो मुंडी है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर दूरी पर है या 1 मीटर दूरी पर है। अगर मैं पूछूं मेरा शोल्डर कितनी दूर है, तो आप बोलोगे सर आपके जो राइट में वॉल है उससे इतने डिस्टेंस पर है। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो आप बोलोगे सर लेफ्ट की जो वॉल है उससे आपके इतने डिस्टेंस पर है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं तो मैंने अपनी पोजीशन यहां पर हमेशा दूसरे पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बनाई है, बताई है। मैंने अपनी पोजीशन अगर मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं ग्राउंड से कितने ऊपर हूं, चलो मेरा जो टॉप है, जो थोड़ा खड़े हैं, मान लो जो थोड़ा मेरा जो टॉप है वो ग्राउंड से मिलूंगा, जो मेरा राइट, मेरा जो ये वाला शोल्डर है वो मैं अपना राइट वाली वॉल से लूंगा, लेफ्ट वाली वॉल से लूंगा अगर मेरा लेफ्ट है। तो दैट मींस सर्वे में जब भी हम किसी पॉइंट्स की पोजीशंस को पता करते हैं, हम हमेशा उसको दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, मान लो हम रोड पर गए, हमें रोड पर फ्लाईओवर बनाना था, अब सर एक ना एक शुरुआत वाला पॉइंट तो जरूर होगा। होता क्या है, सर्वे में मान लो हमें पूरा सर्वे करना है और हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, इस रूम की मैं बात करता हूं, इस रूम के मेरे को सारा पॉइंट्स डिटरमाइन करने हैं, उनकी भाई कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी जो भी है, सब कुछ मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, किसी एक पॉइंट को सेटअप कर देना और उस एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं सारे पॉइंट्स को फाइंड करूंगा, या मेरे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। समझ लो मेरी बात, मान लो आप किसी रोड पर गए, रोड में आपको सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस लेने हैं, उनकी हाइट लेनी है, एक रोड पर मान लो अंडुलेशन आ रहा है, आपको उसकी हाइट लेनी है, तो सब कुछ करोगे आप, सबसे पहले रोड पर जाके आप एक सर्वे का पॉइंट मार्क कर लोगे जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, और फिर उस कंट्रोल पॉइंट पे हो सकता है मेरी मर्जी, मैं रोड का सर्वे करना चाहता हूं, मेरे पास कोई भी कंट्रोल पॉइंट नहीं है, तो एक पोजीशन मैं ऐसी वहां पर मान लूंगा जो मुझे लगता है कि यार ये पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी, और इस पोजीशन को हमें कंट्रोल पॉइंट मान रहे हैं, और उस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सारे पॉइंट्स को डिटरमाइन
करेंगे। दैट मींस एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हमेशा रिलेटिव पोजीशंस लिखा होता है, कभी भी पोजीशंस नहीं लिखा होता। दैट मींस सर्वे में आप जितने भी पॉइंट्स के मेजरमेंट्स लेते हो, मेजरमेंट कुछ भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल, एंगुलर। मैं अभी आपको एग्जैक्टली ऑन सर्फेस बता रहा हूं, पानी के नीचे भी सर्वे होता है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, आपको डैम बनाना है, आपको डैम बनाना है, डैम कहा बनता है भाई? ऑब्वियसली जो पानी होगा उस पानी को रोकने के लिए आप डैम बनाते हो, तो डैम की जो फाउंडेशन होगी वो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर रहती है भाई। पानी का जो डैम की फाउंडेशन होगी वो 100% आपकी, अगर मान लो किसी नदी में बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है और हमें वहां पर पानी कंट्रोल करना है तो हम वहां पर डैम बना देंगे। तो अगर डैम को मुझे पानी को कंट्रोल करना है तो डैम में कंस्ट्रक्ट कहां करूंगा? नदी के अंदर करूंगा। या आपके जो मरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी मिलिट्री होती है उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, जो हमारी मिलिट्री होती है, जो आपकी एक होती आर्मी, एक होती एयरफोर्स, एक होती नेवी, नेवी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। अब पानी के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? आप या तो वेल फाउंडेशन यूज करोगे, आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा, वेल फाउंडेशन यूज होगी, या पियर्स यूज होंगे, जो भी आप यूज कर रहे हो, है ना। पियर्स यूज होंगे तो पियर के नीचे कौन सी फाउंडेशन जाएगी? आपकी पाइल फाउंडेशन जाएगी। तो उसके लिए हमें पानी के नीचे की डेप्थ पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें पानी के नीचे की डेप्थ पता चाहिए कि कहां पर मुझे रॉक मिल रही है। तो जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगुलर मेजरमेंट ही सर्वे होता है। सर्वेइंग बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सर्वेइंग को मैं एक डेफिनेशन से कभी डिफाइन नहीं कर सकता हूं। सर्वे ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होती है। फिर आप ये बोलोगे सर एक चीज बताओ, तो फिर सर्वे की ये डेफिनेशन क्यों लिखी देती है? क्योंकि सर्वे मैक्सिमम टाइम इसी डेफिनेशन के लिए काम आता है, बट 100% काम नहीं आता है। हमारे स्टार्ट करते हैं इसको, अभी मैं और समझाऊंगा। देखो मेरे पास सर्वे की एप्लीकेशन समझाने के लिए बहुत है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर मुझे पानी में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि पानी के कितने नीचे तक रॉक है, कितने अंडुलेशंस हैं, और वो सारा का सारा हम किससे करते हैं? साउंड वेव से। किससे डिटरमाइन करते हैं? साउंड वेव से। तो मैंने आपको बोला सर्वे की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि भैया किसी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, हम बहुत तरीके से सर्वे करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखना, हम क्या करेंगे, हमेशा जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी भी अर्थ सरफेस पे, लैंड पर, उन सारे पॉइंट्स की पोजीशन पता करेंगे किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। और उस कंट्रोल पॉइंट के कंपैरिजन में आपके सारे पोजीशंस पता कर ली, उसके बाद ठीक है आपकी पोजीशंस पता हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, मैंने अभी कम लिखी यहां पर, पता हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा? एंड टू draw all the measurements on the sheet of paper known as plan or map. क्या बोला मैंने आपको? आप ये लेके चलो, मैं सर्वे की आपको अभी एक ही एप्लीकेशन बता रहा हूं कि सर्वे का ये काम होता है, वो सारे चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो। देखो मैंने यहां पर एक चीज लिखी है, और बिनिथ द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस के नीचे के भी पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी मान लो हमारा जो लेंथ सर्फेस है, मान लो पानी के नीचे हम बहुत ज्यादा गए, तो वो क्या होगा? अर्थ सर्फेस के नीचे हो गया, ठीक है। ये मैंने लैंड, नॉर्मल जो लैंड होता है हमारा, उस लैंड को मैंने अर्थ सर्फेस माना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बताई, सर्वे की एक एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, सर्वे की ये डेफिनेशन होती है बुक्स के अंदर, बट ये डेफिनेशन मैं कभी भी कंप्लीट नहीं मानता, और बुक की दूसरी गलती में बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, भाई हमने क्या करा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए, और नॉर्मली हम इसको पेपर पर ड्रॉ करते हैं, और उस पेपर को हम बोलते हैं या तो प्लान और मैप। किसी भी बुक में अगर आप सर्वे की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो सर्वे की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही मिलेगी आपको। सर्वे की डेफिनेशन में आपको देखना, हो सकता है उसमें आप वर्टिकल और एंगुलर मेजरमेंट ना लिखे जाए, बट मैंने लिखे हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगा। तो सर्वे में आपने पॉइंट्स डिटरमाइन करे, और डिटरमाइन करके आपने किसी शीट पर ड्रॉ कर दिए, और जो ड्रॉ आपने करा उसको हम बोलते हैं सर्वे। तो सर्वे का मेन मकसद क्या है? जितने भी पॉइंट्स हैं फील्ड पर जाकर
उनकी पोजीशंस को पता करना। और अब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे रोड बनानी है, जैसे मान लो मुझे फ्लाईओवर बनाना है, तो फ्लाईओवर बनाना है तो क्या सर आप रोड रोड पे देखोगे? नहीं जी, मैं रोड को भी देखूंगा, वहां पर कोई नाला होगा तो मैं नाले को भी देखूंगा, वहां पर कोई पेड़ होगा तो मैं पेड़ को भी देखूंगा। आप समझने की कोशिश करो मेरी बात, अगर किसी जगह मुझे फ्लाईओवर का स्ट्रक करना है तो अगर वहां पर नाला है तो मुझे नाला भी लेना पड़ेगा, अगर वहां पर छोटी सी नदी है तो मुझे नदी भी लेनी पड़ेगी, अगर लेक है तो मुझे लेक भी लेनी पड़ेगी। इन सारी जितने भी फीचर्स हैं वहां पर, जितनी भी चीजें वहां पर प्रेजेंट हैं, उन सब के पोजीशंस को मैं पहले तो मेजर करूंगा बाय सर्वे टेक्निक्स। सर्वे टेक्निक्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सर्वे टेक्निक्स होती है। हम सर्वे टेक्निक्स से पहले उन सबके पॉइंट्स को मेजर करेंगे, उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको एक शीट पर ड्रॉ कर देंगे, और उस शीट को हम बोलते हैं या तो हम बोलेंगे प्लान या फिर मैप। अब सबसे बड़ी बुक की गलती क्या है, मैं आपको यहां पर बताता हूं। बुक अपनी सबसे पहली डेफिनेशन में ये वर्ड यूज कर लेता है प्लान और मैप, और इसको वो बहुत आगे जाकर एक्सप्लेन करता है। यहां पर मैं बुक की गलती मानता हूं, मेरा मानना ये है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, अगर मैं आपसे मैप बोलूं तो आपको मैप पता है, जो इंडिया का नक्शा आप देखते हो वो आपका मैप है, जो हम बिल्डिंग का डिजाइन में जो उसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स की लोकेशन देखते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग देखी एक ऐसी, एक आपने शीट ऑफ पेपर देखा होगा उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशंस लोकेट होती रहती है ऐसे, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो ये प्लान बोलते हैं, बुक्स मैप और प्लान को बहुत जल्दी डिस्कस कर लेती है और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करती है बहुत आगे जाकर, जब आपका एक टॉपिक बनता है स्केल। मेरा मानना यह है कि अगर बुक्स पहली डेफिनेशन में प्लान और मैप को यूज कर रही है तो सेम टाइम आप प्लान और मैप को एक्सप्लेन करो, क्योंकि जब तक आपका एक टॉपिक आता है स्केल, वो 10 बार प्लान और मैप को डिस्कस कर लेती है। और मेरा मानना यह है कि बुक में कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए जिसका एक्सप्लेनेशन आपने देकर नहीं रखा हुआ हो। बुक से अगर पहले इस डेफिनेशन में लिख देगी, लिख दिया उसने भैया प्लान और मैप ड्रॉ करते हैं, और कहीं जाकर आगे जाकर, मतलब मैं अगर अपने बोलूं तो दो लेक्चर्स के बाद मेरा टॉपिक आएगा स्केल्स, और बुक क्या करती है फिर स्केल को एक्सप्लेन करती है, और स्केल को एक्सप्लेन करने के बाद फिर प्लान और मैप पे आती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने सर्वे आपको ये बता दिया कि सर्वे का मतलब होता है भैया किसी भी पॉइंट्स की रिलेटेड पोजीशंस को पता करना, चाहे वो पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो एंगुलर हो, और उसके बाद इन सारी डिटेल्स को, जो भी डिटेल्स आपने गैदर करी है, उनको एक शीट पर ड्रॉ कर देना, और उस शीट को या हम बोलते हैं प्लान और या बोलते हैं हम मैप। अगर मैं आपसे मैप की बात करूं तो जो आपका गूगल मैप है, अगर मैं आपसे बात करूं जो आपका गूगल मैप है, तो वो आपका होता है इंजीनियरिंग मैप। अभी मैं धीरे धीरे सब पर आऊंगा, टेंशन ना लेना, इंजीनियरिंग मैप। वहीं पर अगर मैं फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और मैंने वहां के नदी नाले वाले सब कुछ लिए, आपका इंजीनियरिंग मैप का मतलब मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी तरीके से, अभी ये वैसे मेरा आगे का टॉपिक है बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपने कभी एक ऐसा मैप देखा जिसमें रोड्स दिखती हैं, जिसमें आपके रेलवे दिखती हैं, एयरपोर्ट दिखता है? अगर मैं गूगल मैप की बात करूं तो उसमें रेलवे लाइन भी दिख जाएगी, उसमें आपका हाईवे भी दिख जाएगा, उसमें आपका एयरपोर्ट होगा तो एयरपोर्ट भी दिख जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का मैप होता है, मैप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो मैप सारे क्या हो गए, वो मैप्स क्या हो गए आपके नॉर्मली इंजीनियरिंग मैप। वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे जे कंस्ट्रक्शन करना है जहां पर बहुत ही ज्यादा पानी पानी है, लेक्स है, सब कुछ है, तो अगर मुझे रिवर्स, वैलीज, डैम्स जहां पर बहुत ही ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है, अगर मुझे उसकी पोजीशन एक ड्रॉइंग एक शीट पर ड्रॉ करनी है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, टोपोग्राफिकल मैप। अभी धीरे धीरे हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मैं स्केल से मैप पर आया, मैप पर मैं गूगल मैप पे आया, ये वैसे हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ सर्वे है, इसको अभी ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर्वे में बताने के लिए सीरियसली बहुत ज्यादा है, मुझे सीक्वेंस नहीं पता, मुझे लगता है कि अगर स्केल और मैप आपका यहाँ पर है तो मैं आपको स्केल और मैप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको लिख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहला ही टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केल। डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केल, अगर मैं आपसे नॉर्मली, अच्छा मैंने आपसे एक चीज लिखी थी यहां पर अभी कि
कि हॉरिजॉन्टल किसी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगुलर डिटरमाइन करना। जब हम पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को शीट पर ड्रॉ करते हैं तो उस शीट को हम बोलते हैं मैप और प्लान। किसी शीट पर जब हम जेड बेस में यहां पर खड़ा हूं, अभी ध्यान से देखना मेरी बात, आंसर सुनो, यहां से लेफ्ट वॉल कितनी दूर है, ये होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां से राइट वॉल कितनी दूर है, ये होगी, मतलब लेफ्ट वाली डिस्टेंस भी होगी हॉरिजॉन्टल, राइट वाली भी होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर मैं देखूं यहां से मेरे बॉल से कितनी दूरी में हूं, 2 मीटर की दूरी में हूं, 4 मीटर की दूरी में हूं, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है। बट अगर मैं ग्राउंड से पूछूं, अगर मैं आपसे ग्राउंड से पूछूं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस मैप पर नहीं आती। तो आप बोलोगे सर वर्टिकल किस पर आती है, ये आती है आपकी सेक्शनल मैप्स पर, ड्राइंग्स पर, सेक्शनल ड्राइंग्स पर। ये धीरे धीरे हम सब कुछ आगे बढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, सब मिटा देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान। बहुत इजी चीज पूछता हूं मैं आपसे, देखो सर्वे का मेन मकसद क्या होता है, सर्वे का मेन मकसद क्या होता है, द मेन एम ऑफ सर्वेइंग इज टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ पॉइंट, टू डिटरमाइन पोजिशंस ऑफ पॉइंट, पोजिशंस ऑन पॉइंट, एंड टू ड्रॉ ऑन अ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ सर्वे का मेन मकसद हमारा ये होता है किसी भी पॉइंट पर उसको ड्रॉ कर देना। समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, देखो सर्वे का इंट्रोडक्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे मत समझना कि बहुत इजी है सर्वे। मैं नहीं बोलूंगा आप लोग छोड़कर जाते हो, मैं गलत नहीं बोलूंगा, सर्वे लोग पढ़कर जाते हैं बट सर्वे लोग शायद ढंग से पढ़कर नहीं जाते हैं। आप भरोसा रखो, पहली बात तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपना स्टेज टू के लिए। स्टेज टू का मतलब क्या हो गया आपका, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगे, क्योंकि मुझे सर्वे के आपको 500 टू 700 क्वेश्चंस सॉल्व करवाने हैं। और स्टेज टू ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मेंस यार क्लियर करना बहुत ईजी है, मेंस का पैटर्न रिपीट हो जाता है, मेंस का पैटर्न रिपीट हो जाता है। मैं आपसे आरसीसी की बात करूं तो आप उस स्लैब की डिजाइनिंग दे देगा, टी बीम की डिजाइनिंग दे देगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, ज्यादा टिपिकल डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम की डिजाइनिंग दे देगा। मैं आपसे स्टील की बात करूं, स्टील के मेंस की बात करूं तो वो आपको कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग दे देगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग दे देगा। तो ये चीजें इजी होती है, मेंस में पैटर्न रिपीट होता है बट ऑब्जेक्टिव में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है ना। मेन एम ऑफ सर्वे क्या होता है भैया, पॉइंट्स फाइंड करना, शीट पर ड्रॉ कर देना। अब इस शीट को, द शीट ऑन विच मेजरमेंट इज ड्रॉन, द शीट ऑन विच मेजरमेंट इज ड्रॉन इज नोन एज मैप और प्लान। Only horizontal distances, only horizontal distances, बताता हूं मैं आपको, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं जो भी आप प्लान या मैप देखोगे उस पर only horizontal, यहां से ये कितनी दूरी पर ये horizontal distance हो गया, यहां से right कितनी दूरी पर ये horizontal distance हो गया। The sheet on which measurement is drawn is known as map or plan, only horizontal distances are present or drawn known as the sheet on which measurement is drawn is known as map or plan, and only horizontal distances are drawn. ठीक है, उन्होंने लिख दिया था आपके। The difference between, अब मैं आपको बता रहा हूं, the difference between map and plan is the difference between map and plan is the difference between map and plan is the type of scale chosen, the type of
स्केल चूज, यहां पर सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब यहां बोलोगे सर स्केल क्या है, हमें तो स्केल ही नहीं पता, तो मैंने आपको अभी बताया भी नहीं है, तो पता कैसे होगा, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, पता होना भी नहीं चाहिए आपको। इसको लिखो, अभी तो हमने सर्विस स्टार्ट, मैंने तो अभी सर्विस स्टार्ट भी नहीं करी है, मैंने आपसे क्या बोला सर्वे के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं मत लेना कि मैं आपको सर्वे के कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बहुत डीपली ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, इतना डिस्कस करेंगे कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाए। अगर आप पूछोगे सर्वे सर ऑब्जेक्टिव है या मतलब न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है, तो बोथ है। सर्वे में 60% आप न्यूमेरिकल मान लो, 40% आप थ्योरेटिकल मान लो, 60% सर्वे के न्यूमेरिकल आते हैं, 40% आपके थ्योरेटिकल आते हैं। इसको आप थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि अब मैं आपके सामने इन सबके डिफरेंस बताना चालू करूंगा। ये लेक्चर मेरा कम से भी कम, क्योंकि देखो अभी सर्वे मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने में ही ये लेक्चर कम से भी कम मेरा 1.5 घंटे का होने वाला है, या हो सकता है 2 घंटे का, 1.5 घंटे का तो मिनिमम होगा। इसको लिखो सबसे पहले,